फ्रेंड्स, स्वागत है सुमन किचन में आपका। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ कच्चे केले की सब्ज़ी। तो चलिए देख लेते हैं कच्चे केले की सब्ज़ी हम कैसे बनाएंगे और क्या क्या चाहिए हमें इसे बनाने के लिए। तो सबसे पहले इस तरीके के कच्चे केले हमने लिया है और इसे हमने छिलके हटा लिए हैं और इसी तरीके से बचे हुए केले का छिलका भी हटा लेंगे। तो यहाँ पर प्याज हमने दो लिया है और इस तरीके से कट कर लिया है, दो टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और ये है राई और धनिया पत्ता। तो हम अदरक, लहसुन और सरसों इसका पेस्ट बनाएंगे। और चलिए केले को सबसे पहले कट कर लेते हैं। इस तरीके से लंबे पीसेज में हम कट करेंगे। आप चाहें तो इस तरीके से केले को हाफ करके और फिर इसके पीसेज कट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने कट किया है। तो आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा पीसेज रख सकते हैं। तो मैं बड़ा ही पीसेज रखूँगी आपको बताने के लिए। मैंने हाफ़ करके इसे कट किया है। तो आप देख सकते हैं सारे केले को हमने इस तरीके के पीसेज में कट कर लिया है। तो चलिए सबसे पहले हम मसाले को पीस लेते हैं। तो इसमें मैं डाल रही हूँ 1.5 चम्मच सरसों और अदरक, लहसुन की 8-10 कलियाँ, उसके बाद से इसमें 7 से 8 हरी मिर्च मैं डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं या अवॉइड भी कर सकते हैं हरी मिर्च को। तो चलिए इसका आप देख सकते हैं हमने पेस्ट बना लिया है। अब इसे रख देते हैं और अब इसके अंदर हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टेबल स्पून नमक, उसके बाद से इसमें मैं डालूँगी 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, उसके बाद से इसमें मैं 1 चम्मच डालूँगी अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, सरसों का पेस्ट, उसके बाद से थोड़ा सा हल्दी पाउडर 1/4 टेबल स्पून, उसके बाद से 1/2 नींबू इसके अंदर निचोड़ दूंगी। ये भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे डालें या अवॉइड कर दें। उसके बाद से इसमें 2 टेबल स्पून सरसों का ऑयल मैं डालूंगी। इससे डालने से क्या होता है कि जो हम मसाले का कोट इस पे करेंगे तो अच्छे से चिपक जाएगा केले के ऊपर। अब अच्छे तरीके से सारे मसाले को हम केले के अंदर इस तरीके से मिक्स कर देंगे और आप देख सकते हैं पूरे केले के ऊपर ये कोट हो चुका है, मसाले बिल्कुल अच्छे तरीके से दोनों तरफ लग चुका है, आप देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। गैस ऑन करके हमने कढ़ाई रख दिया है और इसमें मैं डालूँगी 2 टेबल स्पून सरसों ऑयल। आप इसे मैं सिलो फ्राई करूँगी, आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो इसे हम गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है तो अब इसमें हम इस तरीके से पीसेज को डाल देंगे। मसाले से कोट किए हुए केले को हम इस तरीके से डाल के 1 से 1.5 मिनट एक साइड हम फ्राई करेंगे, उसके बाद इसे पलट लेंगे, दूसरे साइड भी कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं एक साइड से फ्राई हो चुका है तो अब इसे हम पलट देंगे इस तरीके से और दूसरे साइड से भी हम इसे फ्राई कर लेंगे। आप एक बार इसे ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है ये कच्चे केले की सब्ज़ी। और इसी तरीके से हम सारे केले को फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं दोनों साइड से हमने इसे लगभग फ्राई कर लिया है। तो इसे चलिए निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं दोनों साइड से बहुत अच्छा से फ्राई हो चुका है। तो अब इसे एक प्लेट में हम निकाल लेंगे और इसी तरीके से सारे केले को हम फ्राई कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा ऑयल है, इसी में मैं और केले डाल दूंगी और आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा और ऑयल डाल सकते हैं। ऑयल कम पड़े तो यहाँ पे 1 टेबल स्पून और ऑयल डाल दें। और आप ये देख सकते हैं कितने अच्छे से दोनों साइड से फ्राई हुआ है। तो चलिए सारे केले को हम एक बार फ्राई कर लें, उसके बाद दिखाते हैं आपको। तो आप देख सकते हैं सारे केले को हमने फ्राई कर लिया है। अब इसी कढ़ाई के अंदर मैं डालूंगी 3 से 4 टेबल स्पून सरसों का ऑयल और इसमें डालूंगी 1/2 टेबल स्पून जीरा, 1/2 टेबल स्पून मेथी दाना और इसे अच्छा से फ्राई होने देंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल ये फ्राई हो चुका है। अब इसके अंदर अदरक, लहसुन, सरसों, हरी मिर्च, इसका जो पेस्ट बचा हुआ था उसे मैं डाल के फ्राई कर रही हूँ। तो 1 से 1.5 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें मैं प्याज का पेस्ट डालूंगी
और इसे भी 1 से 1.5 मिनट भून लेंगे हम। प्याज के पेस्ट भून जाने के बाद इसके अंदर मैं डालूंगी टमाटर का पेस्ट। तो आप देख सकते हैं भून लिया है हमने, तो अब इसमें हम टमाटर पेस्ट डाल देंगे, इसे भी भून लेंगे हम। तो ये मसाले भून चुके हैं, 1 से 1.5 मिनट हमने फिर इसे भी भून लिया है। तो अब सूखे मसाले ऐड करूंगी मैं। तो इसमें 1/2 टेबल स्पून मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर और बिल्कुल 1/4 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर और टेस्ट के हिसाब से नमक, क्योंकि केले में भी हमने नमक डाल रखा है ऑलरेडी, तो इसलिए हम टेस्ट के हिसाब से बिल्कुल कम नमक डालेंगे इसमें। और इसे भून लेंगे और थोड़ा सा पानी में डालूंगे इसमें 3 से 4 टेबल स्पून, और उसके बाद से मसाले में इसे मिक्स करके हम लो टू मीडियम फ्लेम पे ढक के मसालों को पकाएंगे ताकि अच्छे से मसाले पक जाए। तो इसे हम ढक देते हैं और चलिए चेक कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं ऑयल सेपरेट हो चुका है, तो मसाला बिल्कुल भून चुका है और 4 से 5 मिनट हमने बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे मसाले को भून लिया है। तो हमारा मसाला भून के बिल्कुल रेडी है, तो अब इसमें हम पानी डाल देंगे। तो मैं इसमें 2 गिलास पानी डाल रही हूँ। पानी थोड़ा हम ज़्यादा डालेंगे क्योंकि केले जब इसके अंदर हम डालेंगे बॉयल करेंगे तो केले में ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे पानी हमें ज़्यादा ऐड करना है। तो ये बॉयल आ चुका है पानी में, तो अब चलिए इसमें हम केले को डाल देते हैं। सबसे पहले इसमें गरम मसाला हम डालेंगे, तो आप देख सकते हैं 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला हमने डाल दिया है। उसके बाद इसमें हम सारे केले को डाल देंगे जो फ्राई करके हमने रखे हैं केले, उसे मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो आप देख सकते हैं सारे केले को हमने ऐड कर दिया है। अब इसे चला लेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए, और इसे ढक के हम कुक करेंगे। केला वैसे ही अब फ्राई करते टाइम गल चुका है, तो इसे बिल्कुल धीमी आंच में हम 2 से 3 मिनट तक, इसे आप देख सकते हैं हमने बॉईल कर लिया है। अब इस ये हो चुका है, इसके अंदर हम अब धनिया पत्ता डाल देंगे और गैस ऑफ कर देंगे। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल बन के रेडी है कच्चे केले की सब्ज़ी। तो अब इसमें हम डाल रहे हैं धनिया पत्ता और इसे हम चला लेंगे मिक्स कर देंगे इसे, और ये थोड़ा ठंडा होने के बाद ग्रेवी और गाढ़ी होगी। तो चलिए इसे गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे सर्व कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इसे रोटी पराठे किसी भी चीज़ के साथ आप सर्व कर सकते हैं, लंच डिनर कभी भी बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, और ये रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।